दुनिया के सामने आई भारतीय कूटनीति की ताकत की तस्वीर। एलएसी पर पीछे हटने पर मजबूर हुआ चीन। पूर्वी लद्दाख में जारी गतिरोध कम होने की दिशा में पहला कदम। चीन की सेना ने डिसएंगेजमेंट समझौते पर की हस्ताक्षर। उसके बाद कई टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां हटाई गई। डिसएंगेजमेंट की पूरी प्रक्रिया में लगेंगे 10 से 15 दिन के वक्त। पेंगोंग लेक एरिया में आज दोनों देशों के सीनियर कमांडर की होगी बैठक। अब तक हुए डिसएंगेजमेंट को किया जाएगा रिव्यू। भारत चीन गतिरोध को लेकर संसद में बोले राजनाथ सिंह, भारत का मैसेज साफ, एलएसी के सभी विवादित जगहों से पीछे हटे चीन। राजनाथ सिंह ने कहा भारतीय सेना ने पेंगोंग सो के इलाके में बहादुरी दिखाई, इस शौर्य की वजह से भारत मजबूत स्थिति में है। संसद में राजनाथ सिंह ने फिर भरी हुंकार, कहा 1 इंच भी जमीन किसी को नहीं लेने देंगे, राजनीतिक समझौते के बाद ही होगी पेट्रोलिंग। रक्षा मंत्री बोले एलएसी को माना जाएगा और स्टेटस को बना रहेगा, बातचीत के स्तर पर हमने कुछ भी नहीं खोया। राज्यसभा में चीन के मसले पर बोले राजनाथ सिंह, 48 घंटे के अंदर दोनों देशों के बीच फिर से बातचीत होगी। राजनाथ सिंह ने कहा अप्रैल 2020 के बाद साउथ बैंक पर हुए निर्माण को हटाया जाएगा, पहले वाली स्थिति बहाल की जाएगी। डिसएंगेजमेंट समझौते को लेकर राहुल गांधी का बड़ा बयान, पूछा सरकार सैनिकों के बलिदान का अपमान क्यों कर रही है। राजनाथ सिंह के संसद में दिए गए बयान पर बोले ओवैसी, अप्रैल 2020 से पहले की स्थिति बहाल हुई या नहीं उन्होंने नहीं किया खुलासा। राजनाथ सिंह के संबोधन पर बोले केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर, भारत बनने जा रहा है विश्व गुरु। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सुबह राज्यसभा में देंगी बजट पर चर्चा का जवाब, 1 बजे सदन को करेंगी संबोधित। लोकसभा में बजट पर चर्चा के दौरान राहुल गांधी का सरकार पर हमला, का कृषि कानूनों का पहला लक्ष्य है मंडी को खत्म करना। राहुल गांधी ने कहा कृषि कानूनों से जमाखोरी को बढ़ावा मिलेगा, किसान अपने अधिकार के लिए सिविल कोर्ट नहीं जा पाएंगे। राहुल गांधी ने मोदी सरकार को हम दो हमारे दो की सरकार बताया, कहा आज देश को मात्र 4 लोग चलाते हैं, शायद उनके नाम बताने की जरूरत नहीं। राहुल ने मोदी सरकार को घेरा, कहा इस सरकार ने देश के 3 ऑप्शन, भुखमरी, बेरोजगारी और आत्महत्या दिए। किसान आंदोलन को राहुल गांधी ने देश का आंदोलन बताया, कहा किसान सिर्फ रास्ता दिखा रहे हैं। राहुल पर भड़की स्मृति ईरानी, कहा राहुल को बजट पर चर्चा मंजूर नहीं क्योंकि बजट आत्मनिर्भर भारत की बात करता है। स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी पर अमेठी में किसान की जमीन हड़पने का आरोप लगाया। राहुल के हम दो हमारे दो वाले बयान पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का तंज, कहा खुद के बारे में कह रहे थे राहुल, माँ, बहन, बहनों और उनके समेत 4 बच्चे। वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर का कांग्रेस पर हमला, कहा कांग्रेस राज्य में गरीबी तो नहीं मिटी लेकिन गरीब मिट गए। बजट चर्चा के दौरान पी चिदम्बरम का बयान, कहा गलत आर्थिक प्रबंधन की वजह से GDP 3 साल पहले जितनी हो जाएगी। RJD सांसद मनोज झा ने कहा साल 1990 के बाद से आम बजट केवल खास लोगों के लिए बना है। राजस्थान के श्रीगंगानगर में आज किसान महापंचायत, कांग्रेस नेता राहुल गांधी लेंगे हिस्सा, हनुमानगढ़ में भी किसान सभा को संबोधित करेंगे। राजस्थान दौरे से पहले आज सुबह राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, 9 बजे कांग्रेस मुख्यालय में मीडिया को एड्रेस करेंगे। दिल्ली के टीकरी बॉर्डर हरियाणा के बहादुरगढ़ में आज किसान महापंचायत, राकेश टिकैत करेंगे किसानों को संबोधित। मुरादाबाद में नरेश टिकैत किसान महापंचायत में होंगे शामिल। कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसान नेताओं का ऐलान, राजस्थान में आज से टोल प्लाजा फ्री कराएंगे। किसानों ने 18 फरवरी को देश भर में रेल रोकने का किया ऐलान, 4 घंटे के लिए रोकेंगे रेल। किसान नेताओं का बड़ा बयान, 12 फरवरी से 23 फरवरी तक 5 महापंचायत होंगी, राजस्थान के 3 जिले शामिल। RLP प्रमुख हनुमान बेनीवाल ने पंजाब के बाद राजस्थान में भी किसान महापंचायतों के आयोजन की बात कही, किसानों के समर्थन में रैलियां करेंगे। हनुमान बेनीवाल ने पंजाब के किसानों के रेल रोको आंदोलन का समर्थन किया, कहा उनकी पार्टी हमेशा किसानों के साथ। कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग की, कहा किसानों से बात करके नया कानून बनाए सरकार। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने 3 कृषि कानूनों को किसानों के हित में बताया, कहा किसानों के खिलाफ नहीं है कानून। नीतीश कुमार ने किसान आंदोलन बातचीत से खत्म होने की जताई उम्मीद, कहा आज नहीं तो कल समाधान निकल जाएगा। रविशंकर प्रसाद की ट्विटर को चेतावनी, कहा नहीं चलेगा दोहरा रवैया, अमेरिका में कैपिटल हिल हिंसा का विरोध करते हैं लेकिन लाल किला हिंसा का समर्थन करते हैं क्यों। बुराड़ी में 26 जनवरी को हुई हिंसा मामले में 3 और गिरफ्तारी, पुलिस ने गुरप्रकाश, राजेंद्र सिंह और गुरजीत सिंह को पकड़ा। लाल किला हिंसा के आरोपी दीप सिद्धू की कॉल रिकॉर्डिंग खंगाल रही है पुलिस, सिद्धू के साथ इकबाल सिंह से भी पूछताछ की गई है। गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल के कूचबिहार में शुरू की परिवर्तन यात्रा, ममता बनर्जी पर जमकर बोला हमला। अमित शाह ने पूछा बंगाल में जय श्री राम नहीं बोला जाएगा तो क्या पाकिस्तान में बोला जाएगा, कहा इलेक्शन खत्म होते ही ममता भी जय श्री राम बोलेंगी। उत्तर 24 परगना में भी अमित शाह ने की रैली, कहा अप्रैल तक काफी समय है, जब तक ममता हार नहीं चाहती आता रहूंगा। ममता सरकार पर अमित शाह ने साधा निशाना, बोले बंगाल की लड़ाई मोदी सरकार के विकास मॉडल और ममता के बर्बाद मॉडल के बीच। अमित शाह ने कहा मोदी सरकार जन कल्याण के लिए काम करती है, ममता भतीजा कल्याण करती है। गृह मंत्री बोले कोरोना की वजह से रुका है CAA का काम, खत्म होते ही नागरिकता देने का काम करेगी BJP सरकार।
कोलकाता में सीएम ममता बनर्जी ने भी की रैली, बोली मुझे गाली दे सकते हैं लेकिन अनदेखा नहीं कर सकते। लाठीचार्ज के खिलाफ लेफ्ट पार्टियों ने आज 12 घंटे के कोलकाता बंद का ऐलान किया है। सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक बंद रखेंगे। कोलकाता में लेफ्ट विंग से जुड़े छात्रों पर पुलिस ने बरसाई लाठियां। बेरोजगारी के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे छात्र संगठन। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में बीजेपी महिला मोर्चा ने निकाला स्कूटी रैली। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि पर भ्रष्टाचार मुक्त बंगाल का नारा। उत्तराखंड के चमोली में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। तपोवन टनल में फंसे मजदूरों को निकालने वाली टीम ने फिर बदली रणनीति। अब मलबे में ड्रिल कर मजदूरों तक पहुंचने की कोशिश। चमोली हादसे में लापता लोगों के बचाव अभियान में आ रही हैं दिक्कतें। जलस्तर बढ़ने की वजह से कई बार रेस्क्यू ऑपरेशन रोका गया। उत्तराखंड के चमोली में अब तक 36 लोगों के शव मिले। 10 शवों की हुई पहचान। 168 लोग अभी लापता। पानी का लेवल बढ़ने की वजह से गुरुवार को एनटीपीसी के पास भी कुछ देर तक बचाव अभियान को रोकना पड़ा। पत्थरों के गिरने की आशंका थी। एनटीपीसी के इंजीनियर का बयान, कहा पूरी तरह से ट्रेंड रेस्क्यू करने वाले जवान, लगातार हो रही है बात। चमोली पुलिस ने जारी किया अलर्ट, नदी के आसपास के लोगों को अलर्ट रहने को कहा। चमोली हादसे के बाद अध्ययन करने वाले पर्यावरणविदों की टीम ने दी चेतावनी। ऋषि गंगा के मुहाने पर बनी झील की वजह से रेस्क्यू में लगे लोगों के लिए हो सकता है खतरा। पर्यावरणविद अनिल प्रकाश जोशी ने उठाया सवाल, कहा केदारनाथ और चमोली हादसे से जो सबक लिया है इसकी समीक्षा। जम्मू कश्मीर को लेकर अमेरिका की नीतियों में कोई बदलाव नहीं, बाइडेन प्रशासन का ऐलान। घाटी में 4G इंटरनेट सर्विस के फैसले का किया स्वागत। आज सीएम योगी स्वामित्व योजना के तहत घरौनी प्रमाण पत्र बांटेंगे। 1,57,000 ग्रामीणों को होगा डायरेक्ट लाभ। हरदोई में सामाजिक सद्भाव की मिसाल, मुस्लिम समाज के लोगों ने राम मंदिर निर्माण का लिया करीब 4,65,000 डोनेट। बुलंदशहर में भी श्री राम मंदिर समर्पण निधि की फर्जी रसीदें पकड़ी गयी, 2 जालसाज गिरफ्तार। दोबारा मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार पीएम मोदी से मिले नीतीश कुमार, कहा शिष्टाचार मुलाकात थी। पीएम मोदी ने दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि पर बीजेपी सांसदों को संबोधित किया, कहा हमने महापुरुषों के सपनों को पूरा किया। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार ने ईवीएम के मुद्दे पर अपने सहयोगी दल कांग्रेस को घेरा, कहा जीते तो ईवीएम ठीक, हारे तो खराब। देवेंद्र फडणवीस ने भी ईवीएम के मुद्दे पर बोला हमला, का हार का ठीकरा ईवीएम पर फोड़ने की बजाय जनता के बीच जाए कांग्रेस। गवर्नर को विमान नहीं मिलने के विवाद पर महाराष्ट्र के सीएम कार्यालय ने जारी किया बयान, कहा राजभवन को विमान की उपलब्धता जांच लेनी चाहिए थी। विमान विवाद मामले में देवेंद्र फडणवीस का हमला, का राज्यपाल को नीचा दिखाने का प्रयास हुआ। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने भी ठाकरे सरकार को घेरा, कहा राज्यपाल का अपमान हुआ, ठाकरे माफी मांगे। आरजेडी नेता तेज प्रताप यादव समर्थकों के साथ पहुंचे पटना के जनरल पोस्ट ऑफिस। लालू यादव की रिहाई को लेकर हजारों की संख्या में चिट्ठी राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को पोस्ट किया। आने वाले चुनावों के दौरान मतदान का समय 1 घंटे तक और बढ़ाया जाएगा, मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा का बयान। 5 साल की बच्ची तीरा कामत की जान बचाने के लिए आगे आए प्रधानमंत्री। इंजेक्शन पर 6 करोड़ का टैक्स माफ किया। तीरा को लगने वाले इंजेक्शन की कीमत 16 करोड़ रुपए। देवेंद्र फडणवीस ने पीएम को लिखी थी चिट्ठी। 13 फरवरी से 21 मार्च तक आम लोगों के लिए खुलेगा मुगल गार्डन, एंट्री ऑनलाइन बुकिंग के माध्यम से होगी। दिल्ली के मंगोलपुरी में बीजेपी कार्यकर्ता का मर्डर, बर्थडे पार्टी विवाद में चाकू से गोदकर हत्या। मृतक का पहले धार्मिक टिप्पणी को लेकर आरोपियों से विवाद हुआ था, पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। ग्रेटर नोएडा के दादरी में गौ तस्करों और पुलिस के बीच मुठभेड़, 3 बदमाशों को लगी गोली। एनएसए और गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज। यूपी के शाहजहांपुर में छेड़छाड़ के आरोपियों को पकड़ने गई पुलिस टीम पर हमला हुआ, 5 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। मुंबई क्राइम ब्रांच ने प्राइवेट डिटेक्टिव गैंग का किया पर्दाफाश, अवैध तरीके से सीडीआर और एसडीआर हासिल कर ऊंचे दामों में बेचता था गिरोह। यूपी के बुलंदशहर में केमिकल फैक्ट्री में आग लगी, फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। कर्नाटक के बेंगलुरु में क्राइम ब्रांच को मिली बड़ी कामयाबी, 4 किलो चरस के साथ 6 आरोपी गिरफ्तार। देश में कोरोना के 9,353 नए मामले सामने आए, 24 घंटे में 85 मरीजों की मौत। देश के 17 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 24 घंटे में कोरोना से एक भी मौत नहीं। महाराष्ट्र में बीते 24 घंटे में कोरोना के 3,297 नए मामले सामने आए, 25 संक्रमितों की मौत। दिल्ली में कोरोना के 142 नए केस, 24 घंटे में केवल 2 मरीजों की जान गई। देश में अब तक 74,30,000 से ज्यादा लोगों को लगा है टीका, हेल्थ वर्कर्स और फ्रंटलाइन वर्कर्स की वैक्सीनेशन जारी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने वैक्सीन मैत्री प्रोग्राम की तारीफ की, कहा भारत ने विश्व के लिए अग्रिम मोर्चे की लड़ाई लड़ी। अमेरिका ने WHO की वुहान वाली जांच रिपोर्ट को मानने से इनकार किया, स्वतंत्र जांच करवा सकता है अमेरिका। WHO ने एस्ट्राजेनेका के कोविशील्ड के ज्यादा इस्तेमाल की सिफारिश की, सीरम इंस्टीट्यूट ने तैयार की है वैक्सीन। ब्रिटेन की जेनेटिक सर्वेलेंस चीफ का बड़ा बयान, कहा कोरोना का केंट नाम का वेरिएंट पूरी दुनिया को गिरफ्त में ले लेगा। जर्मनी में 7 मार्च तक बढ़ा लॉकडाउन, चांसलर एंजेला मर्केल बोली समय से नहीं उठाया कदम। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से बात की, कई अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय मुद्दों पर बात हुई।
म्यांमार के सैनिक शासकों की अमेरिका में $1 अरब की संपत्ति फ्रीज, राष्ट्रपति जो बाइडेन ने दिया आदेश। म्यांमार में तख्ता पलट के खिलाफ जापान में प्रदर्शन जारी, नेता आंग सांग सू की को जल्द रिहा करने की मांग। ट्रंप के खिलाफ महाभियोग की कार्रवाई के दौरान अमेरिका के डेमोक्रेटिक नेताओं का दावा, स्पीकर नैन्सी पेलोसी की हत्या करना चाहते थे कैपिटल हिल के दंगाई। अमेरिका के टेक्सास में आपस में टकराई करीब 100 गाड़ियां, हादसे में 5 लोगों की मौत, हल्की बारिश और बर्फबारी की वजह से हादसा हुआ। पाकिस्तान ने बाबर क्रूज मिसाइल का परीक्षण किया, 490 किलोमीटर तक होगी मार्ग क्षमता। नीदरलैंड्स में ठंड ने तोड़ा एक दशक का रिकॉर्ड, 32 किलोमीटर लंबे डैम का पानी जम गया। महंगा हुआ घरेलू विमान का सफर, 10 से 30% तक बढ़ाया किराया, सरकार ने प्राइस बैंड बढ़ाया। दूसरे टेस्ट से पहले इंग्लैंड टीम को लगा बड़ा झटका, चोट की वजह से तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर बाहर, 14 फरवरी से मुकाबला। दूसरे टेस्ट मैच में नहीं खेलेंगे शाहबाज नदीम और राहुल चाहर, अक्षर पटेल को मिल सकता है मौका। बीसीसीआई ने आईपीएल नीलामी के लिए जारी की खिलाड़ियों की फाइनल लिस्ट, 292 क्रिकेटर्स की लगेगी बोली, हरभजन सिंह और केदार जाधव को 2 करोड़ रुपए के बेस प्राइस कैटेगरी में रखा गया है।